हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को झारखंडी जोहार। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में कि कौन कौन से करेंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और आने वाले एग्जाम में ऐसे कौन कौन से करेंट अफेयर्स हैं जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले करेंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करेंट अफेयर्स का एक अपना वेटेज होता है। करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो करेंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे बारे में जानिए, मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश, और मैं आप लोगों को पिछले 3 सालों से यूट्यूब पे झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में और झारखंड के जीके के बारे में नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। चलिए सबसे पहले आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की। रांची में रिसेंटली 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को शुरू किया गया है। आप लोगों को इस क्लास में कई बार बताया जा चुका है कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को शुरू किया जाएगा। फाइनली रांची में 4 जो नए पुलिस स्टेशन हैं, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, उन्हें शुरू किया गया है, और इसी के साथ में रांची में अब ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जो संख्या है वो 8 हो गई है। रांची में पहले से ही 4 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन थे और अब जो है वो 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को शुरू किया गया है, तो इसी के साथ में रांची में टोटल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जो संख्या है वो 8 हो गई है। आइए समझते हैं ट्रैफिक पुलिस स्टेशन क्या होता है और ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है। जनरली आप लोगों को जब भी ट्रैफिक पुलिस के बारे में जिक्र होता है या फिर जब भी आप ट्रैफिक पुलिस के बारे में समझते हैं तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो दिमाग में आती है कि ट्रैफिक पुलिस यानी फाइन वसूलने की मशीन, जहां भी ट्रैफिक पुलिस दिखे वहां से कल्टी मारो, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस किसी ना किसी प्रकार से हमसे जो है वो फाइन की वसूली करेगा, चालान हमारा धर के काट देगा। यही आप लोगों को लगता होगा कि ट्रैफिक पुलिस करता क्या है, धर के चालान काटता है, लेकिन एक्चुअल में ट्रैफिक पुलिस का काम चालान काटना नहीं, ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को मैनेज करना। अगर ट्रैफिक पुलिस किसी शहर में ना हो तो आप ये स्थिति जो देख पा रहे हैं यही स्थिति हो जाएगी बिना ट्रैफिक पुलिस के। जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैफिक का जो हालत है एकदम खराब हो रखा है और यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है, और अगर इस जाम से बचना है तो उसके लिए हमें चाहिए ट्रैफिक पुलिस। तो किसी भी शहर के लिए ट्रैफिक पुलिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही जो है वो ट्रैफिक की स्थिति को कंट्रोल करता है और ट्रैफिक को मैनेज करता है। इसीलिए रांची में 4 जो नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं उन्हें शुरू किया गया है। ठीक है, मेनली आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ट्रैफिक पुलिस होता क्या है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को मैनेज करता है, साथ ही साथ लोगों को ट्रैफिक के लॉज को फॉलो भी कराता है। अगर आप ट्रैफिक के लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर तो भैया आपका धर के चालान कटने वाला है, और एकदम ट्रैफिक पुलिस में कोई रिहाई नहीं, धर के चालान जो है वो आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस बेसिकली क्या करते हैं, तो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इसी के लिए रांची में 4 जो नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है खोला गया है यानी शुरू किया गया है, और अब इसकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है रांची में। क्लियर है, तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली रांची में कितने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को शुरू किया गया है, तो रिसेंटली रांची में 4 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को शुरू किया गया है। रांची में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की कुल संख्या में बढ़ोतरी करके कितनी हो गई है, 8 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन रांची में हो गई है। बहुत ही आसानी से आप समझ पाए, कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग पीडीएफ के बारे में। क्लास का पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप में से अगर ऐसा कोई है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, झारखंड के हॉकी खिलाड़ी, झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी के बारे में।
हॉकी इंडिया लीग जिस तरीके से आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, और आईपीएल जो है वो क्रिकेट का लीग है, फुटबॉल का भी लीग होता है, उस तरीके से हॉकी का भी लीग होता है और उसे कहते हैं हॉकी इंडिया लीग। इस हॉकी इंडिया लीग में कई सारे राज्य की टीमें होती है, जैसे आप आईपीएल के बारे में जानते होंगे, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, ठीक है, तो कई सारे टीम है। उस तरीके से हॉकी इंडिया लीग में भी कई सारे राज्यों की टीम है, और हॉकी इंडिया लीग में झारखंड के भी कई सारे महिला हॉकी खिलाड़ी जो है वो भाग लेते हैं। अब झारखंड के भी कई सारे महिला हॉकी खिलाड़ी जब भाग लेते हैं, तो ये जो आप संगीता कुमारी को देख पा रहे हैं, ये हॉकी इंडिया लीग में सबसे अधिक कीमत पर इन्हें खरीदा गया है। खरीदा गया कहने का मतलब है कि अपने टीम में शामिल किया गया है। कितने? तो झारखंड की संगीता कुमारी हॉकी इंडिया लीग 2024 में झारखंड की सबसे महंगी हॉकी खिलाड़ी बनी है। दिल्ली एसजी पाइपर्स के द्वारा 22 लाख रुपए देकर संगीता कुमारी को अपनी टीम में जोड़ा गया है। सलीमा टेटे झारखंड की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। ओडिशा वॉरियर के द्वारा 20 लाख देकर अपनी टीम में इन्हें जो है वो जोड़ा गया है। तो झारखंड की सबसे महिला महंगी खिलाड़ी कौन है? तो हॉकी इंडिया लीग 2024 में झारखंड की सबसे महंगी हॉकी खिलाड़ी बनी है संगीता कुमारी। 22 लाख देकर दिल्ली की टीम ने इन्हें अपने टीम में शामिल किया गया है। वहीं झारखंड की दूसरी सबसे महंगी हॉकी खिलाड़ी तो सलीमा टेटे, और उन्हें 20 लाख दिया गया है। अगर हम लोग झारखंड की तीसरी महंगी खिलाड़ी की बात करें तो 12 लाख दिया गया है निक्की प्रधान को, याद रखें। अच्छा, ये केवल झारखंड की है, पूरे भारत की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे भारत में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको 25 25 लाख, 30 30 लाख, 50 50 लाख भी मिले हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो बनी है संगीता कुमारी। ये आप संगीता कुमारी को भी देख पा रहे हैं, और ये आप देख पा रहे हैं सलीमा टेटे। अच्छा, संगीता कुमारी कौन है आप लोगों को नहीं पता होगा, ये है संगीता कुमारी जो हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है, और ये जो आप कप और मेडल पकड़ी हुई महिला को देख रहे हैं, ये है झारखंड की हॉकी खिलाड़ी कौन, सलीमा टेटे। तो एक तरफ आप सलीमा टेटे को देख पा रहे हैं, सलीमा टेटे को ओडिशा के द्वारा क्या किया गया है, तो 20 लाख देकर अपने टीम में शामिल किया गया है, और संगीता कुमारी को दिल्ली के द्वारा। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले कि संगीता कुमारी को हॉकी इंडिया लीग में किस टीम ने शामिल किया है, तो संगीता कुमारी को दिल्ली की टीम ने, ठीक है, दिल्ली एसजी पाइपर्स। और अगर हम लोग बात करें सलीमा टेटे की, तो ओडिशा की टीम ने, ओडिशा वॉरियर ने सलीमा टेटे को, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है। हम लोग सबसे पहले संगीता कुमारी की बात करते हैं, संगीता कुमारी दिल्ली की टीम में शामिल हुई है, 22 लाख मिला है, और टोटल अगर हम लोग इसकी बात करें तो झारखंड की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग सलीमा टेटे की बात करें, तो ओडिशा वॉरियर की टीम में शामिल हुई है, और झारखंड की दूसरी महंगी खिलाड़ी बनी है हॉकी इंडिया लीग में। 20 लाख रुपये इन्हें दिया गया है, क्लियर है। 12 लाख निक्की प्रधान को भी दिया गया है, याद रखिएगा। संगीता कुमारी 22 लाख दिल्ली की टीम, सलीमा टेटे 20 लाख ओडिशा की टीम, और 12 लाख रुपये दिए गए हैं निक्की प्रधान को। तो निक्की प्रधान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, पहली बार झारखंड चुनाव आयोग के द्वारा दो चरणों में झारखंड का इलेक्शन जो है वो आयोजित किया गया। अच्छा, इसके बारे में अलग से एक कल वीडियो लाया गया था, जिसके बारे में हम लोग झारखंड के इलेक्शन के बारे में समझे थे। आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड, यानी झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड में इस बार जो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, उन्हें दो फेज में कंडक्ट किया जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा दो फेज में झारखंड विधानसभा के चुनाव को कंडक्ट किया जा रहा है। अब तक झारखंड विधानसभा की जितनी भी बार इलेक्शन हुई है, वो सभी दो से ज्यादा फेज में हुआ है, दो फेज में कभी भी कंडक्ट नहीं किया गया है। पहली बार झारखंड विधानसभा के इलेक्शंस को दो फेज में कंडक्ट किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, तो झारखंड विधानसभा के जो चुनाव है
वो 13 नवंबर और 20 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। पहले फेज का इलेक्शन 13 नवंबर को होगा, दूसरे फेज का इलेक्शन 20 नवंबर को होगा और फाइनली 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा की जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, वहां पे आप लोगों को बहुत सी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा बताई गई है। यहाँ पे आप सभी चीजों को देख भी पा रहे हैं कि झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीटें हैं और मेजोरिटी के लिए 41 सीट चाहिए, यानी अगर झारखंड में किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए झारखंड में 41 सीट उसके पास होनी चाहिए। अगर 41 सीट उसको मिल जाते हैं तो वो पार्टी अपनी सरकार झारखंड में बना सकता है, ठीक है। वहीं पे ये दिया हुआ है कि झारखंड विधानसभा में जो टोटल 81 सीट है उनमें एससी एसटी और जनरल के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है। अगर हम लोग एससी समुदाय की बात करें तो एससी समुदाय के लोगों को 9 सीटों पर रिजर्वेशन दिया गया है। एसटी समुदाय के लोगों की बात करें तो एसटी समुदाय के लोगों को 28 सीटों पर रिजर्वेशन दिया गया है और जनरल के लिए 44 सीटें रिजर्व रखी गई है। 44 सीटों पर जनरल के लोग जो है वो क्या होंगे, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीटें हैं और ये 81 सीटों का आप सिनेरियो भी समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन कब होगा, सेकेंड फेज का इलेक्शन कब होगा, अच्छा झारखंड में इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो कब कब पब्लिश किया जाएगा, और ये सभी 2024 में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है 2024, ठीक है, सभी में। चलिए आइए, अच्छा बोकारो स्टील प्लांट के बारे में भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा 25,000 जो ठेका श्रमिक है, यानी 25,000 जो लेबर्स है जिन्हें ठेका दिया गया है, उनकी नौकरी बीएसएल में नहीं है, बोकारो स्टील प्लांट में नहीं है, बोकारो सेल में उनकी नौकरी नहीं है परमानेंट, उन्हें ठेके पर काम किया, मजदूरी पर, हम लोग मजदूरी कहते हैं ठेका को, तो 25,000 मजदूरी पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो है वो शुरू किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा 25,000 मजदूरों का, वैसे मजदूर जो मजदूरी करते हैं परमानेंट नहीं है, उनकी नौकरी नहीं है, वो मजदूरी करते हैं किसमें, ठेका पर, कि सुनो 10 दिन काम है, 10 दिन में 2,000 रुपया ले लेना, ये काम कर दो, उस तरीके से। तो मजदूरी देकर 25,000 जो लेबर से जिन्हें काम कराया जा रहा है बोकारो स्टील प्लांट में, बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा उन व्यक्तियों की, उन मजदूरों की 10 लाख का दुर्घटना बीमा जो है वो किया गया है। यानी अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है बोकारो स्टील प्लांट में काम करने के दौरान, किसी मजदूर को चोट लग जाती है, तो उसके लिए बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा उनका क्या किया गया है, तो दुर्घटना बीमा किया गया है, यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है, सेम बात यहां पे लिखी हुई है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट की, आपको याद रखना है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी, 1964 में। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो किसके कब की गई थी, 1964 में। अच्छा, किसके हेल्प से किया गया था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, किस देश के हेल्प से किया गया था। अच्छा, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए होंगे, रिसेंटली कुछ दिनों पहले जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 21 सितंबर और 22 सितंबर को, तो 21 सितंबर को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन से देश के सहयोग से किया गया था, यानी किस देश के हेल्प से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं कि 1964 को बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी और रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से, यूएसएसआर, यानी रूस के सहयोग से, यूएसएसआर ही आज रूस है, रूस को ही पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है, किसी है, क्लियर है। अच्छा, कितना, 10 लाख का बीमा किया गया है, 10 लाख का इंश्योरेंस किया गया है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईआईटी आईएसएम में टेक फेस्ट कॉन्सेटो 2024 को शुरू किया गया है, ठीक है, टेक फेस्ट कॉन्सेटो जो है वो शुरू हुआ है, कहां पे, आईआईटी आईएसएम में। अच्छा, आईआईटी आईएसएम की बात करें, आईआईटी आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स, आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम कहाँ पे है? धनबाद जिले में है। पूरे झारखंड में केवल एक आईआईटी कॉलेज है जो कि धनबाद में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? आईआईटी आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1926 में इरविन के द्वारा आईआईटी आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में की गई थी। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो कि धनबाद में है, और आईएसएम को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया। यानी अगर एग्जाम में पूछे कि झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज कब मिला, तो 2016 में झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज जो है वो मिला। उसके पहले झारखंड में कोई भी आईआईटी कॉलेज नहीं था। 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो उसी आईआईटी आईएसएम में टेक फेस्ट कॉन्सेटो 2024 शुरू किया गया है, और ये आईआईटी आईएसएम का सबसे बड़ा कॉन्सेटो है, ठीक है, याद रखिएगा। 18 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 18 अक्टूबर को ये जो टेक फेस्ट कॉन्सेटो है वो शुरू किया गया है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आईआईटी आईएसएम के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से बात कर लिए हैं कि आईआईटी आईएसएम कहाँ पे है, स्थापना कब की गई है, आईआईटी आईएसएम को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया है, आईआईटी आईएसएम की स्थापना किनके द्वारा, तो इरविन के द्वारा। सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपको करंट अफेयर समझ में आ गए हैं तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चंस के आंसर कैसे कर पाएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य में कहां पे 4 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को खोला गया है। बहुत ही इजीली आप आंसर दे पाएंगे कि झारखंड में 4 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोला गया है, और वो खोला गया है कहां पे? रांची में। रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोला गया है या फिर शुरू किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रांची में अब ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बहुत ही आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि झारखंड के रांची में 4 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहले से थे और 4 जो है वो अभी खोला गया है, तो टोटल जो है वो 4 और 4 8 हो गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में झारखंड की कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी हॉकी इंडिया लीग 2024 की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी नहीं, बल्कि झारखंड की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, ठीक है। यहां पर एक शब्द मेंशन किया हुआ नहीं है, झारखंड की। हॉकी इंडिया लीग 2024 में झारखंड की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो संगीता कुमारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगीता कुमारी को दिल्ली की टीम ने 22 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं झारखंड की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी की बात करें तो सलीमा टेटे, ठीक है। अच्छा, हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा के द्वारा संगीता कुमारी को कितनी राशि देकर अपनी टीम में जोड़ा गया है? ओडिशा के द्वारा तो जोड़ा ही नहीं गया है, यहाँ पे क्वेश्चन भूल दिया हुआ है। ओडिशा के द्वारा संगीता कुमारी को नहीं, बल्कि दिल्ली के द्वारा संगीता कुमारी को अपने टीम में जोड़ा गया है। दिल्ली के द्वारा, ओडिशा तो सलीमा टेटे को ली है दिल्ली की टीम ने, तो दिल्ली में दिल्ली की टीम ने 22 लाख देकर, कितनी देकर? 22 लाख। ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 22 लाख। और यहाँ पे ओडिशा हटा देंगे, ओडिशा सही आंसर नहीं होगा, दिल्ली होगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप चीजों को समझ जाते हैं ना एक बार, तो अगर क्वेश्चन भी गलत होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे दिया हुआ ओडिशा, ओडिशा की टीम ने थोड़ी संगीता कुमारी को शामिल किया है, दिल्ली की टीम ने किया है, दिल्ली एसजी पाइपर्स, ठीक है। आइए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्ष 2024 में झारखंड के विधानसभा चुनाव कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? तो बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं कि वर्ष 2024 में झारखंड के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो 2 फेज में, एक होगा 13 नवंबर को, दूसरा होगा 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आंसर दिया जा सकता है। अगर एक बार आप चीजों को समझ गए तो फिर बहुत ही आसानी से आप चीजों का आंसर जो है वो कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा,
पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन कि हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? बताएंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर कितना किया गया है झारखंड कैबिनेट के द्वारा? ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 2100 या फिर ऑप्शन डी 2500। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से नॉलेज है तो आप थोड़ा डिटेल में भी कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, क्लियर, मजा आ गया, अच्छा लगा क्लास? आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना एकदम ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।